जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं रायबरेली से जबलपुर की ओर और इस रास्ते में बीच में पड़ता है प्रयागराज शहर। सो इस शहर का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हम लोग रायबरेली से सुबह सुबह निकल गए, ताकि सुबह सुबह हमें इतना ज़्यादा शहर का ट्रैफिक ना मिले। तब भी हम लोगों को प्रयागराज क्रॉस करते करते 8:30 बज गया था। प्रयागराज शहर को क्रॉस करते ही थोड़ी दूर आगे चल करके प्रयागराज रीवा हाईवे के बिल्कुल साइड में हमें एक रेस्टोरेंट मिला, पंजाबी ढाबा नाम का, जो कि काफ़ी स्पेशल था। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक लेने का डिसाइड किया। बाहर से तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर से ये रेस्टोरेंट कैसा है। हाईवेज पे आपको बहुत सारे ढाबास और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन साफ़ सुथरा ढाबा और रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इस पंजाबी ढाबा में आकर के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ की सीटिंग की। सो यहाँ पर आपको इनडोर आउटडोर सीटिंग के साथ साथ एसी नॉन एसी सीटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के मेन्यू की। सो यहाँ पर मेन्यू में आपको केवल वेजिटेरियन फूड के ही ऑप्शन मिलेंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। साथ ही ड्रिंक्स में आपको यहाँ पर टी कॉफ़ी और स्वीट लस्सी जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर साउथ इंडियन फूड आइटम ट्राई किया, जो कि टेस्ट वाइज हमें अच्छा लगा। रहा सवाल सर्विस का, सर्विस भी यहाँ की मुझे अच्छी लगी। अब आते हैं यहाँ के फूड आइटम्स के प्राइस की। सो यहाँ के जो फूड आइटम्स का प्राइस था वो मुझे रीजनेबल लगा, पॉकेट फ्रेंडली लगा। सो जो लोग प्रयागराज रीवा हाईवे पर ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए पंजाबी ढाबा नाम का यह रेस्टोरेंट अच्छा ऑप्शन हो सकता है ब्रेक लेने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस तरह प्रयागराज रीवा हाईवे पर स्थित पंजाबी ढाबा नाम के इस रेस्टोरेंट में हमारा ब्रेकफास्ट तो बढ़िया रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।